सीताराम आप सभी को। सो गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि यार जो अपनी डेविल है, अपनी अपाची आरटीआर 160 गाइस, इसका कराया था हमने इंश्योरेंस क्लेम। एंड गाइस, इसका इंश्योरेंस क्लेम करवाया था, मैं भी गया था, मेरा भाई भी गया था, ये फ्रेंड मेरा आशीष नंदा। और आप देख सकते हो कि बाइक का जो कॉल है, ये जो साइड का पैनल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अभी तक फ्रेश है, ये देख लो आप। और यहाँ से ये मतलब क्या था, ये स्क्रैच यहाँ पे लगा हुआ था पूरा। मतलब आप मेरी पीछ पुराने वीडियोस में देख सकते हो, पुराने व्लॉग्स में देख सकते हो, भाई साहब पूरा का पूरा यहाँ से है ना, ये स्क्रैच था पूरा। ये टूट गया था गाइज, एंड ये भी टूट गया था भाई, और ये भी जो गार्ड है ये भी टूट गया था। एंड बहुत से जो इश्यूज थे वो सारे क्लियर हो चुके थे, जो भी इश्यूज थे वो क्लियर हो चुके हैं। बाइक एकदम न्यू बन के आ गई है ना आशीष जी? भाई बिल्कुल, एक चीज और छोटी सी कमी रह गई, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो गाइज, ये जो है ना, ये स्क्रैच आप देख रहे हो छोटा सा है भाई, ये अपना पास नहीं हुआ था इंश्योरेंस क्लेम में, और उन्होंने भाई ये चेंज नहीं कराया, तो ये एक डिसअपॉइंट है। मतलब बाइक है ना, इससे थोड़ी सी अपनी अच्छी नहीं दिख रही है बाइक। और एंड गाइज, इस ब्लॉग में जो मेन बात है वो है साइलेंसर कवर। मैंने आपको बताया था कि पूरा काम हो चुका है, जी हाँ पूरा काम हो चुका है बाइक के अंदर, लेकिन साइलेंसर का जो ऊपर का प्लेट है जिसपे हम आरटीआर लिखवाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लेम में ये कवर तो पास हो गया था, आरटीआर वाला तो स्टोर में नहीं था, लेकिन आज वो आ गया है, तो इस कवर को हम लोग आज लगवाने वाले हैं, ब्रांड न्यू देख सकते हो आप, है ना कपी भाई? बिल्कुल आ चुका है। इस साइलेंसर को चेंज करवाने के बाद में अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स है ना सॉल्व हो जाएगी जी भाई, के भाई बाइक का ऊपर का कवर भी मतलब सही हो जाएगा। और इसको भी हम दिखवाएंगे गाइज, इसका भी कुछ ना कुछ तो करवाएंगे। ये जो छोटे सा स्क्रैच है आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर पेंट पूरा हट चुका है। तो यार चलो चलते हैं शोरूम पर। गाइज अब हम जाने वाले हैं अपनी बाइक को, जो ये साइलेंसर का प्लेट है ऊपर की जिस पर आरटीआर लिखा पड़ा है, इसको चेंज करवाने के लिए। एंड आप ये मत कहना कि बाइक का क्या हाल कर रखा है यार, भाई तुमने क्या हाल कर रखा है भाई, वेदर देख लो, बारिश का मौसम है और हर जगह भाई साहब ग्रीन ग्रीन नजर आएगा आपको, वेदर चेक कर लो गाइस, ये देख लो वेदर। तो ये क्या है, बरसात का टाइम है, और भाई साहब जब बरसात होती है तो बाइक धुलवाना भी मुश्किल, मतलब बाइक धुलवाना एक बेवकूफ़ी की बात होती है, क्योंकि आप धुलवाओगे दूसरे दिन बरसात होगी, रेन होगी, एंड उसके बाद में आप बाइक दोबारा गंदी होगी। तो यार देखो, ये थोड़ा मॉनसून में ऐसी ही रहेगी अपनी बाइक, है ना, थोड़ी गंदी गंदी सी। आप देख सकते हो यहाँ पर भी बारिश अभी भी आ रही है हल्की हल्की सी। हम लोग जाने वाले शोरूम पर, और इसकी नंबर जो इसकी साइलेंसर के ऊपर की प्लेट है वो चेंज करवाएंगे भाई, न्यू लगने वाली है। तो व्लॉग में आने वाला बहुत ज़्यादा मज़ा आपको, है ना आशीष जी भाई? तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 1000 सब्सक्राइबर कर दो यार, 1K सब्सक्राइबर कर देना, आप लोगों पर पूरा भरोसा है मुझे। सो गाइज, अभी हमारा आशीष भाई पूरा रेडी है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी डेविल यानी कि अपाची आरटीआर की कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाना चाहता हूँ आपको। तो यार सिनेमैटिक शॉट्स को आप एंजॉय करना यार। सो गाइस चलते हैं अब अपने शोरूम पर, है ना, बाइक स्टार्ट कर लो भाई, हम भी बैठ जाते हैं। ये देख रहे हो बंदा महाकाल का दीवाना है, जय महाकाल, जय श्री राम। चल आशीष भाई, इस बाइक की जो व्लॉग है वो डेली तो नहीं है, लेकिन यार हर मैं कोशिश करूंगा कि मैंने भी करूंगा कि आपको इस चैनल पर इस बाइक के ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। एंड गाइस, इस बाइक का मैं रिव्यू भी करने वाला हूँ, तो फुल रिव्यू करूँगा। अभी तक मैंने इस बाइक का, जब से मैंने इस बाइक को परचेज करी है ना, तब से मैंने अभी तक इस बाइक का रिव्यू नहीं करा है। तो यार इस बाइक का रिव्यू भी करेंगे, और मतलब ये जानेंगे भी कि भाई ये बाइक आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो यार देखो, वैसे तो देखो मेरा तो ओपिनियन यही है कि भाई जो इस बाइक को चाहता है ना वो बाइक को ले सकता है। तो भाई जैसा कि मैं आपको बता रहा था भाई, ये जो बाइक है ना, ये सिटी में चलाने के लिए भाई मेन जो सिटी का काम है आप लोगों का, चाहे रूट का भी हो चाहे सिटी का भी हो, मतलब सिटी में तो ये फुल्ली कंफर्टेबल देने वाली है आपको। कहीं भी आप टर्न मारो, कहीं
आप जिग-जैग चलाओ लीन करने में भी इसको मतलब कि एक सॉलिड फील आती है इस बाइक के साथ। तो मतलब यार ये बाइक है ना अपने आप में ग्रेट है भाई। जो और गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे आने वाली जो वीडियोस होगी वो शायद इसी बाइक के ऊपर हो, तो इसका हम है ना एक तो रेन टेस्ट करेंगे और एक स्पोर्ट मोड में भी चलाएंगे, क्योंकि अर्बन मोड में हमने चला के देख ली थी बाइक को एंड रेन और स्पोर्ट्स मोड रह गया था इसका, तो वो भी चेक करेंगे हम लोग यार। एंड गाइस अभी हम लोग यहाँ पर रेड लाइट पर रुके हैं और ग्रीन हो गए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यार देखो ट्रैफिक रूल्स का भी जरूर फॉलो करो आप लोग, क्योंकि ये भी जरूरी है। कुछ लोग है ना ट्रैफिक मतलब भाई ये रेड और ग्रीन सिग्नल को भी नहीं देखते और बाइक को चला देते हैं, मतलब फिर बाद उसके बाद में ना उसके बाद में उन लोगों को भारी जोखिम उठाना पड़ता है अपने लिए। गाइस ये आ गए हम TVS के शोरूम पर एंड हमें तो बैक जाना है, तो ये रहा TVS के शोरूम आप देख सकते हो गाइस है ना, एंड यहाँ पर अपन लोगों को जाना है। ये आ गया हम शोरूम पर, ये गाइस ये आ गई हमारी साइलेंसर के ऊपर के RTR वाली प्लेट। ये हमारी ये देख लो भाई बिल्कुल न्यू है और इसको कसा जा रहा है, और जो आप ये भाई को देख रहे हो ना ये भी अपना सब्सक्राइबर है भाई क्या नाम है भाई आपको बता देना, प्रदीप सब्सक्राइबर है अपने, इन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो यार आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओ भाई ये तो नहीं लग रही बिल्कुल, ये देख लो आप ऐसी पूरी मतलब ये था वो स्क्रैच वाला भाई, ये था वो सिस्टम पूरा, कितना गंदा लग रहा है। और ये देख लो आप वो वाला कितना नया लग रहा है और ये कितना पुराना। तो गाइस अपनी पूरी बाइक हो चुकी है न्यू ब्रांड न्यू, देखा जाए तो मतलब धुली नहीं है बस। आशीष कितना कुछ लग रहा है, अरे भैया मजे आ रहे हैं मजे। तो गाइस वो था अपना सब्सक्राइबर जिसने प्लेट लगाई थी वो भी अपना सब्सक्राइबर था। तो गाइस ओवरलुक अपन आप देख सकते हो अपनी बाइक का कितनी प्यारी लग रही है भाई, कितनी प्यारी लग रही है अपनी डेविल भाई। साइलेंसर के ऊपर की RTR वाली प्लेट चेंज करवा ली अपन ने, इंश्योरेंस क्लेम में पास हुई थी एंड गाइस इस पे अपन लोग है ना PPF लेमिनेशन भी करवाने की सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक PPF लेमिनेशन करवाई नहीं, तो यार इसकी प्रोटेक्शन के लिए मेरे को PPF लेमिनेशन जरूर करवाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग सोच रहे थे कि यार हम लोग जाएंगे खाटू श्याम जी, आपको ये बताना था यार क्योंकि अगले व्लॉग में हो सकता है आप खाटू श्याम जी के व्लॉग देख पाओ, और उसमें है ना मैं अपनी जो ये बाइक है डेविल अपाची RTR 160 इसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ, इसकी राइड मिस करेंगे, लेकिन यार जो वो व्लॉग आने वाला है ना उसको भी ज़रूर देखना आप लोग जितने मेरे सब्सक्राइबर है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कर देना, ये व्लॉग शेयर कर देना यार, क्योंकि यार देखो इतनी प्यारी बाइक है मेरे भाई, तो वीडियो पे तो यार चैनल को लाइक करना तो बनता है यार, चैनल को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आप लोगों का इतना ही मेरे को प्यार चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों को जितने ही मेरे सब्सक्राइबर है और जितने ही न्यू व्यूज है वो यार चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, सीताराम जय श्री श्याम जय श्री श्याम।